चलिए तो आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे हमें जो है हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो बदल गया है उसको देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें आपका क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के क्लास नाइन्थ क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तक के वीडियोस आते हैं, जिसमें क्लास नाइन्थ टेंथ के साइंस और क्लास नाइन्थ के साइंस और मैथ्स क्लास नाइन्थ टेंथ के साइंस और मैथ और इलेवेंथ ट्वेल्थ के फिजिक्स की वीडियो आएगी। तो चलिए आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम जो है सीबीएसई के चेंज हुए को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, उसमें टाइप कीजिए सीबीएसई, टाइप कीजिए सीबीएसई सिलेबस। इसमें आप जाकर सीबीएसई सिलेबस, अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सारे ऑप्शन पे नहीं जाना है। जिसमें देखिए सीबीएसई एकेडमिक देखिए लिखा होगा, इस पर आप करिए क्लिक। क्लिक करते हैं यहाँ पे रुक जाएगा। अब जो बच्चे नाइन्थ टेंथ से हैं नाइन्थ पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है, इस पे लैंग्वेज वाले पे क्लिक करेंगे तो जो भी हिंदी जो लैंग्वेज रिलेटेड जो भी चैप्टर आपके इधर उधर हुए हैं जो बदले गए वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पर। मेन सब्जेक्ट में आपके कौन कौन है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका मैथमेटिक्स है, ये देखिए आपका मैथमेटिक्स है, ये आपका साइंस है, ठीक है, और इधर आपका ये साइंस आपका हो चुका है। ठीक, अब देखिए इधर ये आप साइंस देख चुके हैं। अब साइंस के बाद आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल साइंस, ये सब आपके क्या बेटा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट आपने देखा और इसी पर आप करेंगे क्लिक। जैसे आप इसको कर लेंगे क्लिक आपका ये खुल जाएगा। जैसे आप इस पर जो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्लिक किया और देखिए यहाँ पे हमारा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और डाउनलोड पे आप क्लिक कर लेंगे और आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्लास के सभी जो भी चैप्टर आपके बदले गए हैं या जो भी सब्जेक्ट में चेंजेस किया गया आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ से हैं वो ट्वेल्थ वाले भी इस पर क्लिक करेंगे और अपने लैंग्वेज, जैसा कि पहला आपका लैंग्वेज दिया गया है लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे, फिर दूसरा आपका किस में दिया गया है आपको एकेडमिक में दिया गया है। ठीक है, ये क्या है रिवाइज एकेडमिक इफेक्टिव। अब इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है पॉलिटिकल है फिजियोलॉजी है सोशोलॉजी है जितने भी आपके टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आसानी से जो भी आपका जो भी कोर्सेज आपके रिड्यूस हुए हैं या जो भी कोर्सेज में चेंजेस आया है सीबीएसई बोर्ड ने ले आया है आप उसको बड़े आसानी से देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू।